I did not plan on shopping at all. Then I found this one store which was amazing, and because of that, I ended up buying 50 pairs of shoes. 50, half century. Hi, welcome to the Bhamleshwar Hall. Finally, it is here. As I told you in the mini story time, kuch planning tha nahi shopping ka. Market mein walk karna is a ritual every time jab Bhamleshwar jaate hain. But I found this one store there. Shop ka naam shayad Rajasthan Emporium tha. They had some clearance going on because ye sab band hone ke baad unka store abhi abhi khula tha and they were trying to get rid of unke purane designs. So their old designs they were giving it to me for I think 1,000 rupees flat any jutti I buy. I don't have a lot of experience in buying jutti, so I thought I was getting a really good deal. बट यहाँ पे आके मुझे पता चला कि मुंबई के मॉल में भी ये 1200 तक के इससे थोड़े बेटर जूतीज मिल रहे हैं. सो आई वाज लाइक ओके, बट आई एम हैप्पी विद ईच एंड एवरीथिंग आई हैव बॉट. सो बस अभी और मैं बड़बड़ नहीं करती, लेट्स स्टार्ट. सबसे फर्स्ट पेयर है ये ब्लैक पेयर ऑफ ब्यूटीफुल जूतीज. द वर्क इज जस्ट वेरी वेरी ब्यूटीफुल. ये सबसे डेंटी जूती है. ऑल ऑफ देम आर फॉर 1,000 रुपीज अनलेस आई मेंशन अदरवाइज. सेकंड है ये पेयर ऑफ ग्रीन बीडेड जूतीज. इसके ऊपर सिर्फ बीडिंग का काम है वैसे तो, so there isn't much that's going on. But ये भी थोड़ा regally लग रहा था, like this would go really well with western stuff as well. इसके जैसा एकदम similar, which is completely matching the kurti, is this blue pair of same jutis. Imagine this kurti along with the denim and these jutis is such a good look. I wish मैं कॉलेज में ऐसा सब सोचता, पता है कितना elegant outfit है. Oh, next pair is very shadi appropriate. So look at that. इसका work is so heavy. It is so heavy. Actually, ये साल में बहुत सारी शादियां अटेंड करनी है मेरे को, सो दैट्स व्हाट आई हैड इन माइंड. प्लस आई एम प्लानिंग अ वेरी फन इंस्टाग्राम सीरीज, सो फॉर दैट आई हैड टू बिल्ड आउटफिट्स एनी विच वेज एंड आई डोंट हैव दैट मेनी इंडियन फुटवेयर. सो दिस वाज लाइक एक साथ बिल्डिंग माय वार्डरोब इन टर्म्स ऑफ इंडियन फुटवेयर. अनदर इंडो वेस्टर्न बट सुपर प्रिटी इज दिस. These में ना ब्लू फ्लावर्स है छोटे छोटे. इट हैज येलो डॉट्स. ब्लू पिंक एंड येलो का कलर कॉम्बो इज वन ऑफ माई फेवरेट. यू कैन सी ब्लू पिंक एंड येलो. तो दिस जूती इज एग्जैक्टली दिस वीडियो का वाइब. इसमें ना थोड़ा डिफेक्ट है. वी डिड गो टू रिटर्न एंड ही टुक इट बैक ऑल्सो, बट ही सेड ही डिड नॉट हैव अ सेकंड पेयर इन दिस, सो ही गेव मी 50 रुपीज डिस्काउंट. अगर लहंगे वहंगे में पहना तो उतना नहीं दिखने वाला ये डिफेक्ट. सो आई स्टिल गॉट इट क्योंकि मुझे बहुत पसंद आया. आई पेड फॉर ऑल ऑफ दिस फुल एंड फाइनल. आई वाज देयर फॉर 3 डेज, तो मैं हर एक दिन थोड़ा 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 करके लेते गए, इसलिए मुझे एक साथ पे नहीं करना पड़ा. एक साथ पे करने को आता ना थोड़ा मेरा जान जलता था. नेक्स्ट इज दिस गोल्डन पेयर, विच इज वन ऑफ द मोस्ट वर्सटाइल पेयर जो अपन लेके आए. इसके पीछे तो बहुत ही डिफेक्ट है, तो इसके आगे ऐसी वर्क है. द मेन थिंग इज के इसका जो कुशन इन्होंने डाला है ना, आई फाइंड इट वेरी कंफर्टेबल. दैट कुशन इज द मेजर सेलिंग पॉइंट फॉर मी. एंड अनदर वेरी वेरी वर्सटाइल एंड हैवी पेयर ऑफ जूतीज इज दिस वन. इसपे भी वैसे तो बीडिंग का ही काम है, बट बिकॉज अलग अलग साइज के बीड्स एंड अलग कलर के बीड्स यूज किए ना, इट्स गिविंग अ वेरी हैवी लुक. एंड ओ वन मोर वर्सटाइल गोल्डन जूतीज यू कैन नेवर हैव. दे विल गो विद एवरीथिंग. ये है अपना नेक्स्ट गोल्डन पेयर. आई थिंक दिस इज वेरी सिमिलर टू अपना ऑरेंज पेयर. वर्क काफी सिमिलर है, हल्का सा डिफरेंस है, बट इट्स वेरी रॉयल लुकिंग. अगेन विद दिस ऑल्सो इट वुड लुक वेरी नाइस. आई वॉन्ट टू गो आउट नाउ समवेयर. नेक्स्ट वन इज दिस मिरर वर्क वाला गोल्डन पेयर. आई वाज इन अ रियली बैड मूड बिफोर स्टार्टिंग टू शूट बिकॉज़ मेरा वेट बढ़ ही जा रहा है. डूइंग दिस हॉल इज मेकिंग मी वेरी हैप्पी राइट नाउ, सो आई एम ग्लैड वी आर डूइंग दिस. आई हैवंट यूज्ड ऑल ऑफ दिस नाउ, सो इट्स लाइक आई एम फाइनली शोइंग इट टू माय फ्रेंड्स कि सी व्हाट आई गॉट फ्रॉम महाबलेश्वर. इट्स मेकिंग मी वेरी हैप्पी. एंड वन ऑफ माय फेवरेट पेयर्स फ्रॉम ऑल ऑफ द जूतीज दैट वी गॉट इज दिस वन. इट्स अ होली पेयर ऑफ जूतीज. लाइक इसमें बहुत सारे कलर्स हैं ना. पीछे से कुछ नहीं है, बट इसका आगे का इतना प्रिटी है कि बहुत बहुत सुंदर है ये. नेक्स्ट इज दिस फ्लोरल पेयर, जिसमें भी थोड़ा ये मिंट ग्रीन पेस्टल ग्रीन वाला है. देन देयर आर फ्लावर्स अगेन. अनदर वर्सटाइल पेयर जो मुझे थोड़ा गुजराती स्टाइल लगता है इज दिस पेयर ऑफ जूतीज. इसमें ये जो ग्रीन और ऑरेंज कलर का काम है ना, आई हैव सीन अ लॉट इन वेडिंग्स दैट आई हैव अटेंडेड फ्रॉम माय साइड ऑफ द फैमिली. वो फ्लोरल वाले में दिस एक और कलर वेरिएशन, इट्स दिस ब्राइट ब्लू एंड रेड वाले फ्लोरल का कॉम्बिनेशन. लव्ड इट, सो could not hold myself back from. Now the second last pair is this one, जो बहुत ज्यादा सिंपल है. Everyone else apart from me loved it, like mom loved it, Himani loved it. ठीक है, अगर सबको पसंद आ रहा है तो कुछ होगा. And the last pair of jutis is very regal too. Chevron बोलते हैं इसको कि zigzag बोलते हैं इसको. इसका जो V type design है ना, it's very beautiful. It's very beautiful. अभी थोड़े semi open jutis में आते हैं. उसमें the first pair is this very shimmery pair. ये तो मैंने भैया से free में लिया था. मैं भैया इतना shopping किया है कुछ तो दे दो. So this was the pair he gave. Then the second semi open jutti is this one, जो white color में. This was the only thing that I found in white color. It's very dainty. It's very beautiful. The only thing is ये वाली जूती ना बाहर सस्ते में मिल रही थी. I had paid 550
50 for this too, bhaiya. Aur bahar ye 350 tak mil rahi thi. Three other pairs. I think this is also super matching in our kurti today. Isme ek choti si tassel hai aage and golden work hai. Same mein another color because it's bright and I love bright color. And the last one is this yellow pair. Ispe work alag hai, but technically pattern is almost the same because ispe bhi tassel to hai hi aage. Ek western pair tha for mom. It is this one because ispe jo English flower ka print hai na, mama ko ye print bahut pasand hai. So this we found on the streets for 200 rupees. Comfort itna nahi hai and I don't think they last that much, but mom really likes them. So I hope ki at least 6 mahine to chal jaye mama ko. Another semi open pair is from another store. Lekin ye rose gold color and I loved it a lot. This was for 850 rupees and I think I found it worth the money for this. Agar na patris bhi bahut lagti hai, to patris se maine 3 pairs liye the. Ek blue pair tha. That's the only pair of footwear I used. You've seen that in the get ready with me with the twist for Marathi wala. Isme na same mere paas peach color aur cream color tha jo maine Srinath ji se liya tha. This is also something I got for 200 rupees. And another 200 rupee pair is this disco black pair. A Meesho haul is coming up or it might already be uploaded. So, usme na black lehenga, two black lehenga, dono ke saath ye bahut zyada sundar lagi. I have Kolhapuris. Kolhapuris bahut sundar milte hain Mahabaleshwar mein. So the first pair is this rose gold Kolhapuri lekin in a wedge heel. This is what it looks like. These have cushioning in them, that's why they are very comfortable. These are mom's size lekin ye mere ko bhi fit aa jata hai, so we didn't buy two in that. But I did get a flat in Kolhapuri because these are also a very versatile pair and these were only for 350 rupees ke liye. So I found them affordable, which is why I was like, let's invest in them. Kaam to aane hai. Abhi jaise jaise age badhti hai, you start going to more traditional functions. This was a bahana I gave while I wanted to buy these. Next one is this pair of green Kolhapuris which have a block heel which is also green in color. Very pretty pair. This was also for 350 rupees only. And lastly, I have three western footwear but they are comfortable on another level. First one is this black flats. Pe diamond wala kaam hai aage and this was for 1000 rupees. I know it's expensive probably for Mahabaleshwar standards, but this is in-house manufacturing of the person who is selling it. Iska dukaan ka naam hai Choice. You have to visit that store because everything there is very comfortable. And the two other pairs name, one is this. Pe colorful gemstones lage hai on the T-strap. Very beautiful again. Pehenne se bahut acche lagte hai. And the last pair of shoes is also very versatile. I think ye to Indian pe bhi jayega, Western pe bhi jayega. It's this pair of nude flats jis pe aise T hai. This was also for 1000 rupees. If you remember, one of our very first proper hauls, it was one accessorized haul, 70% off wala. And usme maine bahut similar shoes liye the aise. The MRP for that was 4,345. 70% off ke baad bhi they were more expensive than this. So that's what I calculate while buying from local people, ke would I pay this amount to a brand? If yes, then I'm going to pay them also the amount. I don't want to bargain a lot because they also deserve to earn. One piece of home decor that I got from there was this straw ka tray. This was only for 395 and I think bhaiya ne mujhe aur bhi discount diya tha is pe. Iske saath maine ek aur straw ka itna chhota sa bag liya, usme kuch dal nahi sakte. It's only for shoots purpose. Usme main flower dal ke ise pakadna chahti hu. Wo to I think 200 ka hi tha, but wo mujhe mil nahi raha hai abhi. You'll get to see directly in some Instagram photo only. And the final segment of this haul is kapde. First piece of clothing is this blue Lucknowi kurti jo inner ke saath aati hai. This was only for 850 along with the inner and iska material bahut zyada comfortable hai. So I bought one more in it in this purple color. Kya batau, I wish main aur leke aayi hoti because ye bahut comfortable lag raha hai mere ko. Isme bhi inner aaya hai. Then we bought this dupatta. This is a lehriya dupatta. Ye dupatta 150 rupees ka hi mila tha. Then there was one specific color that mama wanted aur wo ek hi dukaan mein tha. This was the color she wanted, a proper yellow color. Ye wall ka color aur ye ekdam similar hai, but she wanted a long Lucknowi, so she found that exactly. This one was expensive, 1400-1300 rupees the, and bhaiya did not want to discount, but since mom really wanted it, we were like theek hai chalo le lete hain. Finally, everything else is from one corner shop which was run by 3-4 ladies. So there were two girls who looked like they were 15-16 and unki kaki thi who was running the main thing. So the first thing that we bought was this white kurti with green embroidery in Lucknowi from her. 690 jo MRP likhi hai, she seedha said ki main aapko ye 450 mein de dungi. So instead of buying one, we bought four. The other things that we bought from that auntie, one is this kurti jiska material
बहुत सॉफ्ट है, काफी लॉन्ग कुर्ती है एंड इसका वर्क भी काफी अच्छा है. सो इसका MRP दैट्स रिटन इज 630 रुपीज. आई एम प्रीटी श्योर इट कॉस्ट अस लेस देन दिस. आई एम नॉट सेइंग शी वाज अ नाइस पर्सन बिकॉज शी वाज गिविंग डिस्काउंट्स. शी वाज सुपर एडुकेटेड एंड शी वाज वेरी मच फन टू बी अराउंड. शी वाज नॉट बीइंग पुशी एट ऑल कि आप ये देखो ये देखो. शी लाइक आपको जो देखना आप खुद निकाल के देख सकते हो. नेक्स्ट थिंग इज दिस गोल्डनिश कलर के प्लाजो. मेरे पास ब्लैक एंड व्हाइट है, गोल्डन नहीं था तो गोल्डन भी आ गया. इसी पे आई वांट टू बी ट्राइंग ऑन ऑल द मोल्डीज. तो अगर मेरे पैर के बाल थोड़े दिख जाए ना प्लीज डोंट गेट ग्रॉस स्टफ. द लास्ट थिंग इन दिस हॉल इज दिस सूट सेट. मम्मा की नजर इस पे पड़ी एंड बहुत सुंदर है ये. तो ये लहरिया सेट है जिसपे ऐसा योक वर्क है एंड इट्स अ लॉन्ग कुर्ती. सब मम्मी ने इसलिए करा के रखा है. इसके नीचे ये पैंट आई है व्हाइट कलर की लेकिन मैच विद द सेट. देयर इज दिस बॉर्डर आल्सो एंड द दुपट्टा इज आल्सो आई थिंक प्लेन व्हाइट ओनली. बस इसकी बॉर्डर इज टोटली मैचिंग द कुर्ता. सो ये हमको अराउंड 1200 में पड़ा रहेगा व्हिच इज अ great deal for this material and this kind of quality. This was the wholesome shopping experience at Mahabaleshwar. I know I said 50 pairs and mere khud ke I think 30-35 ke around hai. So 50 ka total kaise hua tha is one of a very close person is also getting married whom I know. So unke liye kuch 10-12 pairs liye maani ke 8-9 pairs se. So sabke kul mila ke we did buy 50 pairs. These are the ones that were for me to use. Thank you for watching the whole video and keeping so much patience. Lekin agar aapko ye video dekhne mein maza aaya to give it a thumbs up and subscribe to the channel. And if you did not enjoy watching this video then give it a thumbs down. I will see you in a brand new video very soon. Until then, goodbye.